आज की इस नए वीडियो में मैं अक्षय आचार्य जी आपका दिल से स्वागत करता हूँ। आज हम देखो दशमलव वाली संख्याओं का भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालना सीखेंगे। देखना यहाँ पर क्या लिखा है, 9.3025 प्रकार लिखा है। देखना यहाँ पर क्या करेंगे, आप देखो बताया था दशमलव के तीन स्थान तक, वैसे यहाँ देखो दशमलव बाद ऑलरेडी एक जोड़ा दो जोड़ा है, यहाँ चाहो तो और दो शून्य लिख सकते हो, और नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। देखो यहाँ पर इतना ही बनाते हैं। यहाँ पर क्या करना है, 9 है तो देखो दशमलव के पहले को हल करना है। तो देखो क्या है, 9 तो किसको लेंगे, यहाँ पर 3 या 9, देखो 9 को लेना है, 3 या 9 तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 यहाँ पर 3, 3 क्या हो गया 9, ये क्या हो गया कट गया। किसको उतारेंगे, 3 शून्य को, 3 और 0 को उतारना है एक जोड़ा को, जोड़ना किसको है 3 को, 3 और 3 कितना हो गया 6। अब यहाँ पर देखो दशमलव है, यहाँ क्या हो जाएगा दशमलव, याद रखना अगर यहाँ पर देखो 1 लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा 61, और 61 एकम क्या हो जाएगा 61, जो कि 30 से क्या है ज्यादा है, इसलिए क्या करना 1 मत लेना, क्या लेना यहाँ पर 0 लेना, ध्यान देना 1 नहीं लेना, क्या लेना 0, क्योंकि 0 के पहाड़े से पढ़ोगे तो ये क्या हो जाएगा पूरा 0 हो जाएगा, तब ये कितना हो गया उतना ही बचेगा 30। किसको उतारेंगे 2 5 को, 2 5 को उतारना, किसको जोड़ना है 0 को, जिसको लिए उसको जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 60। अब देखो ध्यान देना यहाँ पर, अगर ये देखो कितना है 3025, थोड़ा दिमाग लगा करो ये कितना है 3000। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर अगर 1 लिखोगे तो 600 होगा, या फिर आइडिया लगाया करो वाला, देखो यहाँ पर क्या है 5, याद रखना इकाई में 5 है तो यहाँ 5 बार में आएगा, ऐसे 5, ये 5 क्या हो जाएगा 5×5=25, 2 बचा 5×0=2, 5×6 कितना हो गया 30, ये क्या हो गया देखो ये सब कट जाएगा, इसका कितना आ गया देखो 3.9.3025 का वर्गमूल कितना आया 3.05, ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया। तो वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें, आपको अच्छे समझ में आएगा। धन्यवाद।